अगर आप प्यार के खेल में उतरना चाहते हो तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि पहले उस लड़की को पटाओ जो लड़की आसानी से हाथ में आ रही है। अपना वक्त बचाओ। आपने देखा होगा जिसके पास एक आधी लड़की होती है उसके साथ दूसरी भी सेट हो जाती है, लेकिन जो लड़के सिंगल होते हैं वो सिंगल ही रह जाते हैं। दुनिया का रिवाज है, यहाँ मांगने वाले बहुत सारे हैं और देने वाले कम। याद रखना, जो चीज़ तुम डिजर्व करते हो वो तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, तुम उसे पा लेते हो। तुम प्यार मांगो मत, प्यार के लायक हो जाओ। लड़कियों से दोस्ती करो, उनके साथ घूमो फिरो। लड़कियां उन्हीं लड़कों के साथ सेफ फील करती है जिनके आसपास भी लड़कियां हो। वो सोचती है तीन लड़कियों ने इस पर भरोसा किया है, हम भी करते हैं। भरोसे का खेल ऐसा ही चलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले गुजरात में बहुत अच्छा काम किया, उसे डेवलप किया, इसीलिए हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया ताकि वो देश को डेवलप कर सके। ये भरोसा है, पर्सनली तो हम उन्हें जानते नहीं ना। प्यार के खेल में भी यही होता है। पहले खुद को प्यार के काबिल बनाओ, तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिलेगी। लिव योर पैशन। देखो, अगर तुम अपना सारा काम धंधा बंद कर लड़कियों के पीछे पड़ गए तो वो तुमसे बोर हो जाएगी, तुमसे परेशान होकर दूर भाग जाएगी। सो अपने काम पर ध्यान दो, अपने पैशन के लिए काम करो। तुम्हारा पैशन कुछ भी हो सकता है, बस वो करके तुम्हें मजा आना चाहिए। छोटी छोटी चीजें भी इंटरेस्टिंग बनाकर पेश करो। देखो, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारा पैशन सिंगिंग, डांसिंग या एक्टिंग ही हो। नहीं, तुम्हें जो पसंद है वही करो, तुम्हें तुम्हारे फॉलोअर्स मिल जाएंगे। अपने पैशन को छुपाओ मत, कभी भी मौका मिले उसे लोगों के सामने रखो, सस्पेंस बनाकर रखो। मैंने देखा है लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं होते जो अपने बारे में ही बोलते रहे। लड़कियों के सामने सस्पेंस बनाकर रखो, जैसे वो हैरान हो जाए, तुम ये भी करते हो, तुम वो भी करते हो। मेक योर ओन स्टाइल। खुद का एक नया स्टाइल डेवलप करो। स्टाइल डेवलप कैसे करना है? हर नए फैशन को अपनाओ। जो भी नया चीज मार्केट में दिखती हो उसे ट्राई करो। नए नए स्टाइल ट्राई करने में कभी सोचो मत, कभी शर्माओ मत। देखो, अगर तुम बेवकूफ़ दिखने से नहीं डरते तो तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिलेगी। मैंने देखा है बहुत सारे लड़के एक ही तरह के ड्रेसिंग करते हैं, हम दूर से ही उन्हें पहचान लेते हैं। हमेशा नए नए फैशन ट्राई करो, जैसी लड़की तुम्हें देखकर हर बार चौंक जाए। फैशन के साथ अपना एक ट्रेड बनाओ, जैसे अपना एक यूनिक स्टाइल। जैसे कोई लड़का अपनी यूनिक कैप के लिए पहचाना जाता है, जब भी कैप की बात होती है हम उस बंदे के बारे में बात करते हैं। कोई लड़का शूलेस नहीं बांधता, कोई अपने रिंग के लिए पहचाना जाता है। तुम्हें भी ऐसा ही कुछ अपनाना चाहिए। बातचीत का तरीका, बात करना सीखो। देखो, हम बोलना तो 5 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन ये सीखने के लिए सदियां बीत जाती है कि हमें चुप कब रहना है। बहुत ज्यादा बात करने वाले सुनने वाले के एहसान के नीचे दबते जाते हैं, जैसे वो तुम्हारी बात सुनकर तुम पर कोई एहसान कर रहा हो। तुम्हारी बात की कीमत तब है जब तुम कम बोलते हो। लोगों की बोरियत को पढ़ना सीखो। देखो, वो तुम्हारी बात को ध्यान से सुन रहा है या नहीं। लोग जब तुम्हारी बातों से बोर होते हैं तो वो इधर उधर देखते हैं या अपने फोन निकाल कर उस पर ध्यान देते हैं। लोग तुम्हारी बात पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो चुप हो जाओ, और अपनी बात तब तक शुरू मत करो जब तक तुमसे उस बारे में पूछा ना जाए। मैंने तो ऐसे भी बेवकूफों को देखा है जो लोगों को पकड़ पकड़ कर बताते हैं, ए सुनना, मेरी बात तो सुनो ना। तो अपनी बात तब तक शुरू ना करो जब तक तुम्हें ये ना लगे कि इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने का बहुत बढ़िया तरीका ये है, एक कागज लो, उसके एक तरफ अपनी खासियतें लिखो और एक तरफ अपनी कमियां। जैसे मेरी स्माइल अच्छी है, मैं हाइटेड हूँ, एक हेल्दी पर्सनैलिटी रखता हूँ, सिक्स पैक एब्स के साथ मैं मस्कुलर पर्सनैलिटी रखता हूँ, मैं फीलिंग से बात करता हूँ, ये सब मेरी खासियतों की लिस्ट में होंगी। और बुराइयाँ जानने के लिए अपने दोस्तों से पूछ लो, रिश्तेदारों से पूछ लो, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से तुम्हें तुम्हारी बुराइयाँ बताएंगी। खासियतों को बढ़ाते जाओ और कमियों को घटाते जाओ। ऑनेस्टी इज द की। देखो, ये खेल है। लड़कियों को खुश रखना, उनसे प्यार करना, उनको पटाने की कोशिश करना एक आर्ट है, एक कला है, और तुम्हें इस आर्ट की इज्जत करनी होगी, तुम्हें लड़कियों की इज्जत करनी होगी। तुम्हें प्यार दिल से करना होगा, सच्चा प्यार करना होगा। लड़कियों को चालू मत समझो, मेरे बताए फॉर्मूलों को जानकर उन्हें धोखा देने की कोशिश मत करो। अगर तुम इस कला की इज्जत नहीं करोगे तो तुम इसे कभी नहीं कर पाओगे। हो सकता है तुम्हें बहुत बार ना झेलनी पड़े, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। तुम्हें पास्ट को भूलकर फिर से नई शुरुआत करनी होगी।
तुम्हें फिर से नए प्यार की तलाश करनी होगी और मैं दुआ करता हूँ कि आप जल्द ही रिलेशन में होंगे।